नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी मेगा अभियान के तहत सामाजिक न्याय का नारा देकर अंबेडकर जयंती पर ज्योतिबा फूले की जयंती मनाएगी। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस से अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल तक यूपी बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। हर जिले मंडल और बूथ में कार्यक्रम होंगे। निकाय चुनाव के लिए खास तौर पर अभियान तैयार किया गया है। पार्टी के मोर्चों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पर पार्टी का ध्वज हर बूथ में लगाया जाएगा। 8 अप्रैल को अनुसूचित जनजाति मोर्चा अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में संपर्क करेंगे और रोजगार की जानकारी देने वाले कार्यक्रम करेंगे। 9 अप्रैल को किसान मोर्चा मंडल और जिला स्तर पर प्राकृतिक खेती की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम करेगा। इसके अलावा 10 अप्रैल को महिला मोर्चा अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ सहभोज का कार्यक्रम करेगा। फिर 11 अप्रैल को ओबीसी मोर्चा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाएगा। 12 अप्रैल को नगर निगम और सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 14 अप्रैल को कार्यकर्ता अंबेडकर जयंती मनाएंगे। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, यूपी में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी का क्या कुछ ये मेगा प्लान है? देखिए, जिस तरीके से 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना दिवस मना रही है, हर साल ये स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस स्थापना दिवस के साथ 6 से 14 अप्रैल तक यानी कुल 8 दिनों तक जो साप्ताहिक कार्यक्रम चलेगा वो सामाजिक समरता का कार्यक्रम होगा। जो 8 दिनों तक चलने वाला है, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है, तो 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि एक कार्यक्रम जो है आयोजित करी जिसे सामाजिक समरता कार्यक्रम जो है नाम दिया गया है। इस योजना के तहत वो इन 8 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने ये साफ निर्देश दिया कि 8 दिनों पे बूथ लेवल से लेके कमेटी लेवल से लेके ब्लॉक स्तर से लेकर जो पन्ना प्रमुख है वो सभी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद जो है वो गांव-गांव जाके जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में बताएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे और तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं जो वो अपनी पार्टी के लिए समर्पित करेंगे। योजनाओं के तहत जो है ये सारी चीज़ें होंगी। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा जो बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम बड़े नेताओं से लेकर बूथ लेवल के जो लोग हैं, जो जिला लेवल के लोग हैं, जो पन्ना प्रमुख है वो सभी जो है उनके भाषणों को सुनेंगे, उनके संबोधन को सुनेंगे और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने सभी प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि 6 अप्रैल का जो प्रधानमंत्री का संबोधन होना है उसे हर लेवल पे, हर बूथ लेवल पे, हर जिला कमेटी लेवल पे सभी को ये संबोधन सुनना है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी भाषणों को सुने और उसके बाद जो अभियान चलाया जाएगा सामाजिक समरसता का अभियान, उसमें कम से कम एक गांव में 3-3 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, बकायदा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो इतिहास है उसके बारे में बताया जाएगा, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा और भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब की जो जयंती है उस पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और तमाम कार्यक्रम का जो विवरण है वो भी डालना जरूरी होगा। विवेक, जिस तरह यूपी में निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हो, फिर चाहे वो निकाय चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर एक बूथ पर, हर एक जिले पर तैयारियों में जुटी हुई है, क्या लगता है कितना फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। अगर आप बात की जाए कि संगठन के मामले में या कार्यकर्ताओं के मामले में कौन सी पार्टी बेहद मजबूत है, तो ऐसा कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी का नाम आगे नहीं रखेगा। इसका कारण भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, उसने अपने संगठन को काफ़ी विस्तार भी दिया है, पुराने लोगों को लाए हैं, नए युवाओं के जोश से भरा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने बाकायदा रणनीति बनाई है, तमाम बैठकें वो कर चुके हैं, हर प्रकोष्ठ की बैठकें भारतीय जनता पार्टी लगातार निकाय चुनाव से पहले कर रही है। इसके पहले ओबीसी समाज के प्रकोष्ठ की बैठक जो नरेंद्र कश्यप ने की थी उन्होंने की थी और कुल बाकायदा जो अगर बात की जाए तो 18 प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव से लेकर आम चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी जो है
अपनी पकड़ को और भी मजबूत करने की स्थिति की तरफ कदम बढ़ा रही है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है वो बाकी राजनीतिक दलों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। लगभग 10 सालों से केंद्र में उसकी सरकार है, 6 सालों से उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जो है उसको मिली हुई हैं। 80 लोकसभा सीटों में कम से कम इस समय 62 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो पकड़ भारतीय जनता पार्टी के पास बनी हुई, चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो या देश स्तर की बात हो, उसी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव से पहले कई प्रकार की बैठकें हो चुकी है, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कई बैठकें की, अपने कार्यकर्ताओं अपने पदाधिकारियों को संबोधित किया, जरूरी दिशा निर्देश भी आगामी लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के मद्देनजर देखते हुए दिए भी हैं, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलता है ये देखने वाली बात होगी आम चुनाव और निकाय चुनाव में। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में आज बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंडल, कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में गांव-गांव चल रहे अभियान की समीक्षा की जाएगी, पार्टी के विभिन्न अभियान और कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति पर कहा था कि बसपा की तैयारी बहुत मजबूत है, बीएसपी 2007 के फॉर्मूल पर चुनाव लड़ेगी और उसका किसी से गठबंधन नहीं होगा। उमेश पाल अपहरण केस में माफी अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है। मायावती ने प्रयागराज में मेयर पद के लिए घोषित की गई शाइस्ता की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। अब प्रयागराज मेयर सीट के लिए पार्टी की ओर से नया उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। शाइस्ता परवीन का टिकट काटे जाने का औपचारिक तौर पर ऐलान 3 अप्रैल को प्रयागराज में ही किया जाएगा, उस पर भी आज फैसला हो सकता है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, बीएसपी प्रमुख मायावती निकाय चुनाव को देखते हुए तैयारी में जुट गई हैं, आज एक अहम बैठक होगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बैठक में? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, अधिसूचना आरक्षण की जारी हो चुकी है, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए जुटी हुई हैं। तो वही बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो आज अपनी पार्टी मुख्यालय पर एक अहम बैठक बुला रही हैं, जिस बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, 75 जिले के अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर और मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उनको इस समीक्षा बैठक में बुलाया जा रहा है और उसके बाद समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि आखिर अब की बार नगर निकाय चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए। मैं आपको बताऊं मयूरी कि 2007 में जब मायावती चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, तो उन्होंने एकाधिकार जमाया था उत्तर प्रदेश पर। उसके बाद अगर 14 लोकसभा की बात करें तो उनका खाता शून्य रहा। उसके बाद अब विधानसभा जो पिछली बार चुनाव हुआ था उसमें केवल उनका एक ही विधायक था, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनकी पार्टी गर्त में जा रही थी, जिसको देखकर अब मायावती ने खुद कमान अपने हाथ में ले ली है और अपने पदाधिकारियों की बैठक आनन फानन में आज बुला लिया गया है। शाइस्ता परवीन की बात करें तो उनका टिकट काटने की बात लगभग तय मानी जा रही है, 3 तारीख को इसका आधिकारिक ऐलान भी किया जा सकता है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हैं उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सभी पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगी और इस बैठक को अहम माना जा रहा है। इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है इस बैठक के होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मायावती ये चाहती हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय में वो काबिज हो पाए। हालांकि उनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी ठोक रहा है, कहीं ना कहीं अपनी सीटों को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है, तो कहीं ना कहीं टक्कर बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाली है। कुल मिलाकर आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर के मायावती अब इस नगर निकाय चुनाव में ही अपने आप को आकलन कर लेंगी
कि क्या वो लोकसभा चुनाव में खाता खोल पाएंगी या फिर पिछली बार की तरह 14 की तरह शून्य में चली जाएंगी। तो कुल मिला के आज जो पार्टी की बैठक है, इस बैठक में मंडल स्तर के और 75 जिले से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे, जितने कोऑर्डिनेटर हैं वो इकट्ठा होंगे। ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि मायावती इस बैठक में क्या कहती हैं, क्या सुनती हैं और क्या उनके पदाधिकारी कहते हैं, कैसे इनका जीत का समीकरण बनेगा, कैसे इनकी पार्टी वोट पर काबिज हो पाएगी, कैसे अपना खाता उत्तर प्रदेश में खोल पाएगी। फिलहाल अगर पिछले नगर निकाय चुनाव की बात करें तो केवल मायावती को नगर निगम में 2 सीटें मिली थी और नगर पंचायत में कुछ सीटें उनको मिली थी। फिलहाल अभी जो टक्कर होगा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बताया जा रहा है। फिलहाल मायावती की बैठक आज अहम मानी जा रही है। जी नितेश, जैसा कि अभी आपने बताया कि बीएसपी को पिछले चुनाव में वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहती थी, अभी बीएसपी 2007 के फॉर्मूले पर एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही है, उनका इस बार किसी से गठबंधन नहीं होगा, तो मायावती के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिये, मायावती का सफर हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। जब से वो राजनीति में आई हैं उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और आज भी वो चुनौती का सामना कर रही हैं। मिलाकर 2007 की बात की जाए तो जनता भी परिवर्तन चाहती है, जनता भी उन्हें चुन करके भेजा था, उन्हें 5 साल के लिए मुख्यमंत्री जब बनाने के लिए जनता ने भेजा था तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी खामियां रही। इसके बाद तुरंत जनता ने अगली बार सरकार पलट ली, तो जनता भी नेताओं के फैसले को समझती है कि कौन से नेता उनके लिए हित का काम कर रहे हैं और कौन अहित का काम कर रहे हैं, कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं और क्या सुविधाएं मूलभूत मिल रही है। फिलहाल दलितों का वोट बैंक बटोरने में जो काबिज रही मायावती, वो अब कहीं ना कहीं उनका जो है पार्टी का जो है सिंबल वो कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है, जिसको लेकर के आज इतनी बड़ी बैठक वो बुला रही है और इसमें पूरे 75 जिले से जो उसके अध्यक्ष होंगे और जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो सम्मिलित हो रहे हैं। अब किस तरह का मंथन होगा, कैसे जीत पर वो हासिल कर पाएंगी, फिलहाल अब मायावती ने कमान अपने हाथ में ले ली है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन से क्षेत्र में, कौन से नगर पंचायत में, कौन से नगर निकाय में और कौन से नगर निगम में उनको सीटें मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं। फिलहाल कांटे की टक्कर रहेगी, अब ये देखने वाली बात होगी जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, फिर उनकी किस्मत बक्से में बंद होगी और जब खुलेगा मतगणना के बाद तब ये जाहिर हो पाएगा कि किसने जनता के बीच में रह करके और क्या कार्य किया, क्या जनहित का कार्य किया। मयूरी जी धन्यवाद देश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर के अनवगंज थाना क्षेत्र के बास मंडी के हमराज कॉम्प्लेक्स में आग और विकराल रूप लेती जा रही है। 48 घंटे से कानपुर का कपड़ा बाजार आग की लपटों में धधक रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। आला अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले में खुद मोर्चा संभाला है। बता दें कि एक तरफ दमकल विभाग आग पर काबू पाता है तो दूसरी तरफ से आग की लपटें विकराल रूप ले लेती है। इस भीषण अग्नि कांड में अब तक अरबों का नुकसान हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब तक 800 से अधिक कपड़ा की दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। बता दें 48 घंटे हो चुके हैं और अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। लगातार आला अधिकारी स्थिति का जायजा लेने भी पहुंच रहे हैं। बता दें कि अब तक 800 से अधिक दुकान आग की जद में आ चुकी है और हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, कानपुर में बड़ा अग्निकांड हुआ है, 48 घंटों बीत गए हैं तब भी आग पर काबू नहीं पाया गया है, अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? कहीं ना कहीं कानपुर प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही इसमें सामने देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से आज आग लगे हुए तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन के साथ ही लगभग 50 से ज्यादा गाड़ियां फायर ब्रिगेड की जो कि आग बुझाने में लगातार लगी हुई है और हालांकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी वो जो कोशिशें कर रहा है जिससे इस पर काबू पाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से देखा जा रहा है स्थिति भी काबू में नहीं आ पाई है और तीसरा दिन है, तीसरे दिन के बाद भी आग अभी भी जल रही है, कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है। जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ ट्रांसफर होते हैं तो पहली बिल्डिंग में फिर से आग लग जाती है। हालांकि ये एशिया के सबसे बड़ी कपड़ों की बाजार बोली जाती थी और कपड़ों
कि बाजार जिस हिसाब से अंदर कपड़ों का काफी स्टॉक था, क्योंकि ईद का समय था, ईद के समय के चलते ये काफी कपड़ों का स्टॉक व्यापारियों ने रख रखा था ताकि ईद में अच्छा व्यापार किया जा सके। और एक छोटे से छोटा दुकानदार से लेकर बड़े से बड़ा दुकानदार, लगभग 800 कुल दुकानें थी, 800 दुकानों का जो स्टॉक था पूरा इन्हीं शॉप कॉम्प्लेक्स में रखा गया था। लगभग 6 से 7 कॉम्प्लेक्स ऐसे थे जिनमें पूरा आग ने अपने काबू में कर लिया था। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से पहले एक बिल्डिंग में आग लगी, एक बिल्डिंग के पास आसपास सटी हुई लगभग 5 से 6 बिल्डिंगें थी, लगातार आग लगती गई। और बता दूं कि इसमें एक SBI की शाखा थी जिसमें SBI शाखा में भी कल आग लग गई थी। हालांकि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक कानपुर आए थे और उन्होंने सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया था कि उनकी सरकार उनके साथ है और व्यापारियों के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। अगर उनका नुकसान है, उनको कुछ किसी प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़ा है, तो सरकार उनके लिए हर वो अहम कदम उठाएगी जो उनके पक्ष में हो। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी कल कानपुर आए थे। अखिलेश यादव कानपुर आने के बाद में उन्होंने सरकार के ऊपर और कानपुर प्रशासन के ऊपर प्रायोरिटी पुलिस पर की थी कि पुलिस ने इसमें बड़ी असफलता रही है। असफलता के बाद जिस हिसाब से आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मुताबिक कानपुर के प्रशासन अभी भी इसमें वो कोशिश नहीं कर रहा है जो कि करनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से कानपुर में कल NDRF और SDRF की एक एक टुकड़ी आई थी, लगभग 33 जवान थे जो कि बिल्डिंग के अंदर घुस गए थे, और बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद गैस कटर से दीवारों को और शटर को काटा जा रहा है, और दीवार और शटर काटने के बाद में पूरी आग को हर दुकान के अंदर घुस के बुझाना पड़ेगा। जब हमने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो अधिकारियों का कहना था, क्योंकि जो आग थी, आग शटर के दुकानों के अंदर लग गई थी और आग जो थी नीचे से दुकानों के अंदर पहुंच गई थी, जिससे जो पानी दुकानों के अंदर नहीं जा पा रहा है। इसके लिए बस एक ही रास्ता था कि आग शटर और दुकानों को काटा जाए और दुकान काटने के बाद आग को बुझाया जाएगा। हालांकि कल एक नई बिल्डिंग में और आग लग गई थी, और आग लगने के बाद में हालांकि प्रशासन की थोड़ी बहुत फुर्ती से उस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आज तीसरा दिन है और आग पर नहीं काबू पाया जा रहा है, तो सोचने वाली बात होगी कि आखिर ये आग कब तक बुझेगी। अनिल, जैसा कि अभी आपने बताया, लगातार आला अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आश्वासन अभी तक दिया गया है? कल अभी DG फायर आए थे प्रदेश के, और DG फायर ने कहा था कि लगभग आग बुझाने में अभी भी जो उनकी जो जवानों से बात हुई है, आग बुझाने में लगभग 18 से 20 घंटों का समय लगेगा। 18 से 20 घंटों के बाद ही इस आग पर काबू पा सकता है, क्योंकि लगभग 50 दमकल गाड़ियां हैं और 2 हाइड्रोलिक आग मशीनें बुलाई गई थी जो कि स्पेशल आग बुझाने की मशीनें हैं, एक लखनऊ से और प्रयागराज से। और एक बड़ी मुसीबत तो तब आ जाती है प्रशासन के ऊपर जब कानपुर में प्रयागराज की जो हाइड्रोलिक मशीन बुलाई गई और प्रयागराज में भी आग लग गई, तो कहीं ना कहीं उस समय अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे आग लगने का मामला सामने आता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बिल्डिंगें हैं और जो ये अपार्टमेंट्स हैं और जो भी कॉम्प्लेक्स हैं उनमें कहीं ना कहीं जिस हिसाब से देखा जाए कि आग प्रतिरोधक क्षमताओं को साथ में न रख के इसी तरीके से बिल्डिंगों के मानकों को नहीं पूरा किया जा रहा है, और जिस तरीके से जब इमरजेंसी में इस तरीके की आग लग जाती है तो कहीं ना कहीं कोई जनहानि और बड़ी मानहानि भी की चीजें सामने आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि जो भी नए कॉम्प्लेक्स, नई बिल्डिंगे, नए अपार्टमेंट्स बनते हैं उसमें आग से जो भी मानक होते हैं फायर के, उनको पूरा करके ही बिल्डिंगों को परमिशन दी जाए। अगर इस तरीके की स्थितियां बनती रहेंगी तो कभी ना कभी इस तरीके से और भी भविष्य में बड़ी वारदातें होती रहेंगी। जी, धन्यवाद अनिल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। गाजियाबाद के मोदी नगर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर गांव डिडोली निवासी एक किसान ने अपनी भूमि की पैमाइश कराने के लिए अपने हाथ की नस काट कर अपने खून से एप्लीकेशन लिखा। साथ ही खून से लिखे पत्र को उसने लव लेटर बताते हुए योगी और मोदी को भेजने की बात कही, और उसने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगा। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जब खून से रंगे प्रार्थना पत्र को किसान ने अधिकारियों को सौंपा तो अधिकारी किसान पर भड़क गए, जिसके बाद किसान तहसील दिवस से बाहर आया तो उसे हार्ट अटैक आ गया और आनन-फानन में उसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे मेरठ के मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ये अभी संज्ञान में आया है कि ऐसा कोई व्यक्ति तहसील आया था और इस तरह की कोई घटना होने की सूचना भी मिली है। इसको फिर तत्काल यहाँ पर जो मेडिकल विभाग से लोग थे वो उसका प्रथम उपचार करके उनको मेरठ भी ले गए थे,
और जैसा कि सुनने में आया है कि उनकी वो ख़त्म हो गए, तो लेकिन प्रथम दृष्टया वो ब्लड या ऐसी कोई घटना से नहीं हुई है मौत, वो शायद उनको एंग्जाइटी या जो भी स्ट्रोक हुआ, 65 साल की एज भी थी उनकी ओवर एज। उनका जो कंप्लेंट जैसा पता चल रहा है वो चेक करवाया अभी, तो मैं फौरी ही बता पाऊंगी, बट उसके हिसाब से उसमें जो उनकी ज़मीन दादा लाई थी और वो यहाँ रहते नहीं थे, वो मुजफ्फरनगर में कम्प्लीटली रहते थे। अभी भी मौके पे मैं अभी वहीं जा भी रही हूँ देखने, और उसमें वो जगह अगल बगल धीरे समय के साथ साथ कुछ बसावट हो गई थी, तो उनका जो भी पैसे का अपना लेन देन जिस खातेदार के साथ रहा हो, तो वो खाली ज़मीन चूँकि वहाँ ना रहने के कारण उसमें कुछ बसावट हो गई थी, जिसको लेकर के वो बहुत ही स्ट्रेस्ड होंगे। रायबरेली में खीरो थाना क्षेत्र के ग्राम नंदा खेड़ा निवासी बाइक सवार युवक के गांधी चौराहे के पास ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जहां घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को साधने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं, जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 अप्रैल को रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के डिग्री कॉलेज में बनी काशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे और वहीं पर सपा अध्यक्ष एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस देश के महापुरुष दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को मुख्य धारा से जोड़ने वाले माननीय काशीराम जी की प्रतिमा काशीराम महाविद्यालय जियाग चौहार गदागंज में लगाई गई है। उस प्रतिमा का अनावरण करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी 3 अप्रैल को करने आ रहे हैं। उस कार्यक्रम के बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम श्री स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, उनके द्वारा आयोजन किया गया है और वो उस कार्यक्रम के आयोजक हैं और उस मूर्ति का अनावरण करने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।